बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान आज 56 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं पर आज तक इन्होंने शादी नहीं की है, जिसके चलते इनकी कोई औलाद भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में सलमान खान अपना बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं, लेकिन बाप जरूर बनूंगा। तो आखिर क्या क्या कहा है सलमान खान ने, आइए जानते हैं इसी के बारे में। लेकिन वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सलमान खान का एक्टिंग की दुनिया में काफी बड़ा नाम है, इसलिए आज की डेट में भारत में ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक्टिंग की दुनिया तो काफी बड़ा मुकाम हासिल किया है। इसीलिए तो आज के समय में यंगस्ट अभिनेत्रियों से लेकर अधेड़ उम्र की अभिनेत्रियां तक इनसे शादी करना चाहती हैं, जिसके चलते यह आए दिन अपनी शादी की अफवाह को लेकर सोशल मीडिया में बने रहते हैं। लेकिन आजकल ये अपनी शादी को लेकर नहीं बल्कि अपने निजी जीवन के थोड़े से दर्द भरे जीवन को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि हाल ही में सलमान खान ने सोशल मीडिया पर इमोशनल होते हुए एक बयान दिया है और कहा है कि मैं शादी करूं या ना करूं, लेकिन पिता जरूर बनूंगा। जी हां दोस्तों, आपने सलमान खान ने सभी के सामने अपने पिता बनने की इच्छा को जाहिर किया है। आपको बता दें, सलमान खान 56 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा है कि यह शादी करें या ना करें मगर साइंटिफिक तरीके से पिता जरूर बनेंगे। बता दें, सलमान खान ने देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, प्रीति जिंटा की तरह ही सरोगेसी के थ्रू पिता बनना चाहते हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर यह सरोगेसी नहीं करते हैं तो यह किसी बच्चे को गोद भी ले सकते हैं और इन दोनों तरीके का इस्तेमाल करके बिना शादी किए ही पिता बनना चाहते हैं, क्योंकि इनके पिता बनने की बहुत इच्छा है और इसी तरह पिता बनने के लिए अल्लाह से दुआ करते रहते हैं। हालांकि अभी तक यह बात पूरी तरीके से साबित नहीं हो पाई है कि सच में सलमान साइंटिफिक तरीके से पिता बनने वाले हैं या फिर शादी करके पिता बनेंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी सलमान खान को पिता बनते हुए देखने के लिए एक्साइटेड हैं? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी और रोजाना वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।